सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल एंड आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अब फ्री फायर में टॉप 5 कैरेक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा कैरेक्टर स्किल्स में चेंजेस किया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, गिव अवे भी है एंड गिव अवे को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो भी रैंकिंग बताने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या रैंकिंग होनी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला कैरेक्टर भी इस रैंकिंग में होना चाहिए। तो भाई ये चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन कौन से कैरेक्टर को उसमें चाहते थे। तो जो हमारा 5th नंबर का कैरेक्टर आता है वो आता है क्रोनो। तो फ्रेंड्स, अपडेट में जो सबसे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं वो इसी कैरेक्टर में किए गए हैं, क्रोनो में। भाई ये बहुत अच्छा कैरेक्टर हुआ करता था, पर अब मेरे को इसको 5th पोजीशन में रखना पड़ा है क्योंकि इससे बेटर भी और कैरेक्टर्स आ चुके हैं। इसमें एक स्पीड वाला फैक्टर था कि पहले इसकी स्पीड 30 थी एंड अब उसको घटा के इसकी स्पीड 15 कर दी गई है। एंड जो ये शील्ड बनाता था भाई, उस शील्ड की हेल्थ तो 100 बढ़ा दी गई है, पर उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका जो टाइमिंग था, जो पहले 40 सेकंड में आप फिर से इसको यूज कर सकते थे, अब 170 सेकंड, मतलब 3-4 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। इतनी लड़ाई ना रैंक में चलती है ना ही आप क्लैश स्क्वाड में, मतलब अगर आपने एक क्लैश स्क्वाड के एक राउंड में यूज कर लिया तो अगले राउंड में तो शायद यूज ही ना कर पाओ, उसके अगले राउंड में आपको यूज करने मिले। तो भाई इसी वजह से पहले बहुत सारे लोग इसको यूज करते थे क्लैश स्क्वाड में, अब इसको यूज करना कम करते जा रहे हैं प्लेयर्स। बहुत सारे लोग जो पहले आलोक को यूज नहीं करते थे, अब फिर आलोक पे जाने लग गए जब क्रोनो आया था, बहुत सारे लोग क्रोनो को यूज करने लग गए थे, अब बाकी कैरेक्टर्स की लोग तरफ जाने लग गए जैसे कि वुकोंग, क्रोनो एंड अलग अलग के कैरेक्टर की तरफ। तो भाई मेरे हिसाब से इसकी 5th पोजीशन आप बिल्कुल सही है क्योंकि इसको बहुत ही डिग्रेड कर दिया गया इस कैरेक्टर को। तो फ्रेंड्स, 4th नंबर पे जो कैरेक्टर आता है वो है कैरेक्टर के, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, मतलब कि क्या ही बोले। इसके पास एबिलिटी नहीं एबिलिटीज है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा एबिलिटीज है इसके पास, 3-3, 4-4 एबिलिटीज है। तो मैं बता देता हूँ कुछ एबिलिटीज। ये जैसे ही आप अगर प्लेन से होता है तो ये आपकी ईपी बढ़ाता रहता है, मतलब 150 EP तक बढ़ाएगा। उसके बाद ये हेल्थ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खेलता है, मतलब ईपी को HP में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आपके पास ईपी बहुत ज्यादा, मतलब 200 है, तो समझ सकते हो आप इसको HP में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। 3-3 सेकंड बाद ये इसका कूलडाउन पीरियड फिर से हो जाता है, आप इसकी एबिलिटी को 3-3 सेकंड बाद फिर से यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, मैं इसको सिर्फ 4th नंबर पर इस वजह से रखता हूँ क्योंकि भाई इसके पास मूवमेंट स्पीड नहीं है। अगर इसके पास मूवमेंट स्पीड भी होती तो भाई ये टॉप पे होता, मतलब कि 1st नंबर पर इसी कैरेक्टर को होना था, मतलब बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर। आप इसको रैंक गेम में तो बेझिझक यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ आपको देता है। पर अगर आप इसको CS में यूज़ करना चाहते हो तो कभी कभार स्पीड की वजह से और कैरेक्टर्स इस पर भारी पड़ जाते हैं, पर उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको के अच्छा लगता है क्या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये के 4th पोजीशन पर ही आना था या ऊपर नीचे जाना था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, जो हमारे 3rd नंबर का कैरेक्टर है उसका नाम है DJ आलोक। जब से क्रोनो आया था DJ आलोक की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई थी, पर इस अपडेट के बाद लोग फिर से क्रोनो को छोड़ के DJ आलोक को यूज़ करने लग गए क्योंकि स्पीड तो बराबर कर दी एंड DJ आलोक आपको हेल्थ भी देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं एंड अभी भी भाई DJ आलोक दे दो ये मेरे को कमेंट में लिखा जरूर मिल ही जाता है। तो भाई बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, अगर आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो उसकी पहली एबिलिटी थी, मतलब कि हेल्थ बढ़ाता है, 40-50 हेल्थ आपको दे देता है, बहुत ही जल्दी दे देता है एंड एक इरा बनाता है, उसमें आपकी स्पीड 15% हो जाती है एंड आपका कोई साथी भी है उसमें तो भाई उसकी भी हेल्थ बढ़ने लग जाती है एंड उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, अगर आप स्क्वाड मैच खेलते हो आप इसको रैंक में तो यूज़ कर ही सकते हो, पर भाई क्लैश स्क्वाड के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, मतलब कि क्या ही बोले, अच्छा कैरेक्टर है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैरेक्टर कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो सबसे पहले अपने पिछली वीडियो के गिव अवे को अपन चूज कर लेते हैं। तो भाई चलो देखते हैं कि भाई अपन ने लिंक को कर लिया है कॉपी, अब अपन कर देते हैं पेस्ट, अब अपन देखते हैं कितने कमेंट्स हैं। तो भाई 100 कमेंट्स के आसपास हैं, अब भाई देख लेते कि कौन जीता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अपन शफल करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे जीत चुके हैं अपन के उत्पल कंठ भाई। तो अगर आप जीते हो तो भाई अपनी UID प्लीज कमेंट कर दिया करो यार, सब लोग कमेंट के साथ अपनी UID जरूर कमेंट कर दिया करो जिससे कि हम आपको प्राइस दे सके। तो फ्रेंड्स, इस बार के गिव अवे में आपको मिल सकता है फ्री फायर का कोई भी कैरेक्टर, क्रोनो हो, आलोक हो, वुकोंग हो, कोई भी कैरेक्टर आपको पसंद हो वो आप में से किसी एक बंदे को मिल जाएगा। तो भाई आपको बस इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल वाले आइकन को दबा के कर लेना है ऑल पे एंड इस वीडियो पे 500 लाइक्स का है, मैं ये चीज भूलना नहीं। जब 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी गिव अवे का विनर अनाउंस होगा। तो भाई आपको बस करना है कमेंट कि आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए एंड अपनी UID डाल देनी, आप में से किसी एक लकी विनर को हम चूज करेंगे। जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे इस वीडियो को उतना ज्यादा आपके जीतने के चांसेस है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल वाले आइकन को ऑल पे करना मत भूलना।
तो फ्रेंड्स जो हमारे सेकंड नंबर पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है स्काइलर। अभी नया कैरेक्टर आया एंड होप सो बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया होगा, एंड जिनने यूज़ नहीं किया एक बार यूज़ करके देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा। भाई इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगेगी वो आपको लगेगी कि 50 मीटर में अगर सामने वाले ने 5 ग्लू वॉल भी लगा के रखी है ना, तो एक बार मैं उन 5 ग्लू वॉल को फोड़ दूंगा एंड वो बंदा देखता रह जाएगा कि भाई ये क्या हुआ। एंड एक बंदे के पास CS में 3 ही ग्लू वॉल होती है, तो भाई कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो बंदा कहीं भागने लायक भी नहीं रहता। तो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर अगर आप CS में खेलना चाहते हो तो, रैंक के लिए भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, पर आप इसको CS में ज्यादा यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज है अनलिमिटेड CS अगर आप खेल रहे हो तो, इसकी सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर आप ग्लू वॉल करोगे तो आपकी HP बढ़ेगी, मतलब हेल्थ बढ़ेगी, मतलब कि अगर आप इसको मैक्स पे यूज कर रहे हो ना तो आपकी हेल्थ बढ़ती जाएगी जब आप ग्लू वॉल लगाओगे। तो भाई ये चीज समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थ बढ़ती रहती है, मतलब कि अनलिमिटेड में खेल रहे हो तो कितनी ग्लू वॉल्स आप लगा सकते हो, हर एक ग्लू वॉल के साथ आपकी हेल्थ बढ़ती रहेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आप इसको CS में यूज कर सकते हो। एंड हाँ, बस ये रैंक में कभी कभार पीछे रह जाता है क्योंकि रैंक में बंदे लॉन्ग रेंज में खेल रहे हैं तो आप उसकी ग्लू वॉल नहीं फोड़ पाओगे, पास वालों की ग्लू वॉल ही फोड़ पाओगे, पर आप CS में इसको यूज करके देख सकते हैं। अगर आपका ये फेवरेट कैरेक्टर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड जो कैरेक्टर अपनी फर्स्ट पोजीशन को अचीव कर चुका है वो है वुकोंग। वो भी अपडेट के पास वुकोंग के पास स्पेशल एबिलिटीज इतनी अच्छी दे दी गई है, मतलब कि आप जैसे ही किसी बंदे को नॉक करोगे ना तो उसकी एबिलिटी फिर से रिचार्ज हो जाएगी, आप इसकी एबिलिटी को फिर से यूज कर पाओगे, मतलब आप फिर से बुश बन पाओगे। तो आप समझ सकते हो अनलिमिटेड टाइम अगर आप इसको यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बस आपको बंदे को नॉक करना है एंड फिर से बुश बन जाओ। तो बहुत ही अच्छी एबिलिटी, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसको फर्स्ट पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए, पर अगर आप वुकोंग को अच्छे से यूज करना जानते हो तो आप लोगों को पता है वुकोंग क्या काबिलियत रखता है। जब ये पहले भी था ना तब भी क्रोनो को टक्कर दे देता था, अब तो उसकी एबिलिटी को एकदम से अपर पोजीशन दे दी गई है, तो भाई समझ ही सकते हो कि वुकोंग फर्स्ट पोजीशन अचीव रखता है क्या नहीं। आप इसको अच्छे से यूज करना नहीं जानते तो करिए, इससे खेल के देखिए। एक तो फ्री कैरेक्टर है, पहले से लोगों के पास, बहुत ज्यादा लोगों के पास वुकोंग है, तो आप इसको यूज करके देखिए, मजा आ जाएगा, मतलब कि अलग ही लेवल का कैरेक्टर है। मेरे को पता है अगले भी अपडेट में इसकी एबिलिटी को भी डाउन कर देंगे, मेरे को पता है ये चीज़ आप लोग आज लिख के ले ले। तो ये लिस्ट है जो मैंने आपको बताई है टॉप 5 फ्री फायर कैरेक्टर्स के, आपको अगर ये कैरेक्टर्स पसंद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि इस लिस्ट में और कैरेक्टर्स भी ऐड होने चाहिए एंड क्या क्या होने चाहिए, किस किस पोजीशन में होने चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे भी तो पता चले ना कि आप लोगों के फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं एंड मैं उनको ऐड करना भूल गया हूं। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला जो आइकन है ना उसको दबा के ऑल पे कर लेना। भाई आप ये चीज़ करना भूल जाते हो उसके वजह से यार मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं आपके पास, तो प्लीज़ ये चीज़ कर देना। मेरे को भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इनएक्टिव हो रहा था, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा के ऑल पे कर लेना। तो चलो फ्रेंड चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।